So hi and welcome to this another episode with me Arshi and in this video I'm going to talk about top MBA colleges in Uttar Pradesh I was recently looking at my previous videos जहाँ पर मैंने बात की थी कई सारे states के top colleges की and then I later on realized कि बहुत सारे ऐसे states हैं जिनको मैंने कहीं ना कहीं कवर नहीं किया है अपने चैनल पे एंड आई थिंक लास्ट ईयर कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि आप टॉप फाइव गवर्नमेंट कॉलेजेस इन यूपी बनाइए एंड उस वीडियो पे आई थिंक देर आर मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड व्यूज आल्सो तो यूपी इज ऑल्सो वन ऑफ दी ऑप्शन जिनको आप अपनी लिस्ट में रख सकते हैं अगर आप वहाँ के रहने वाले हो या फिर उसके नियर बाई स्टेट से रहने वाले हो पर कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो वहाँ के टॉप कॉलेजेस में आते हैं इसमें हर कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कॉलेजेस हैं सो लेट्स गेट स्टार्ट इज इज डूंग गुड बिकॉजूटली सुप राइट अगर हम बात यूपी की करें तो यार यूपी के बच्चे पूरे इंडिया में कई सारी जगह पे जाते हैं आप वेस्ट बंगाल की बात कर लो आप बैंगलोर की बात कर लो आप दिल्ली की बात कर लो आप पुणे की, की बात कर लो बट बहुत सारे स्टूडेंट्स उस कैटेगरी में ऐसे भी हैं जो यूपी में ही कॉलेज देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि मुझे ये पता चले कि कौन से अच्छे कॉलेज हैं कुछ कॉलेजेस के नाम नहीं है वो एंड में मैं ऐड करूंगी जो कि इन जनरल बच्चे चाहें तो देख सकते हैं पर शुरू करते हैं टॉप कॉलेजेस की लिस्ट जहां पे सबसे पहला कॉलेज है आईआईएम लखनऊ जो कि इंडिया में सेकंड पोजीशन का कॉलेज है अब इसके लिए तो यू नीड टू हैव 99 प्लस परसेंटाइल इन योर कैट देन उनका वैट पी उसके बेसिस पे एडमिशन होता है तो ये कॉलेज टॉप में तो है पर हर किसी के औकात में नहीं है चाहता हर कोई बच्चा है पर उसके लिए भाई तुम्हें अपना प्रोफाइल भी देखना पड़ेगा तुम्हें अपना कैट का पर्सन टाइल भी देखना पड़ेगा बट डोंट वरी यू नो योर पर्सन टाइल के भी कॉलेजेस हैं आगे तो पूरा वीडियो जरूर देखना है और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखना बिकॉज इनमें से कई सारे कॉलेजेस को रिव्यू भी करने वाली हूँ और आप सजेशन में भी कमेंट कर सकते हैं कि आप किस कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं राइट सो दैट मीज आई एम लखनऊ इन द लिस्ट मूविंग टू द नेक्स्ट कॉलेज विच इज आई कानपुर आई मिन आई आई टी जब हम बात करें होते हैं, तो वी ऑलवेज गेट दिस क्लिक कि यार इंजीनियरिंग के लिए टॉप कॉलेजेस हैं बट इन माई

की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है बट मीडियम पैकेज भी जो है वो इस कॉलेज का सोलह लाख का है तुमको तो क्या चाहिए ज़िंदगी में यार दस लाख के अंदर का फीस है और सोलह लाख का एवरेज पैकेज है एंड सॉर्टेड जिंदगी है तो दैट इज़ आईआईटी कानपुर जो कि तुम यूपी में देख सकते हो पर फिर भी तुम्हारे दिमाग में एक ही प्रश्न चिन्ह आ रहा होगा मैम हमारा जो परसेंटाइल है वो उतना नहीं है तो यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि तुम्हारी प्रोफाइल के हिसाब से कॉलेजेस जो हैं वो वेरी कर रहे होते हैं और अगर तुम्हें तुम्हारी वैसे इसमें लिस्ट में भी है कॉलेजेस बट हो सकता है कुछ और कॉलेजेस भी हो तो उसको जानने के लिए नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है जिसको फिल करके तुम डिटेल्स भी ले सकते हो तीसरा कॉलेज है दैट इज आईएमटी गाजियाबाद भाई आईएमटी गाजियाबाद के लिए 90 प्लस का परसेंटाइल चाहिए कैट में या जैट में जी मैट भी एक्सेप्ट करता है और उसके बेसिस पे तुम इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो एवरेज पैकेज गड़बड़ है यहाँ का एवरेज पैकेज जो है वो नियर अबाउट गड़बड़ मतलब मेरी सीट पर गड़बड़ है एवरेज पैकेज तो इसका एवरेज पैकेज जो है वो चौदह लाख के चौदह पंद्रह लाख के आसपास का है अगर हम आई गाजियाबाद की बात करें

तो अगर हम इसकी एवरेज प्लेसमेंट्स की बात करें तो वैसे तो ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन नहीं था बट डिटेल में, तो में इस कॉलेज के बारे में जानेंगे तो भाई तुम जिन कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो नीचे अपने विचार व्यक्त कर सकते हो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी देन वी है नोएडा के अंदर है ऑफ स्टूडेंट्स यू नो आस्क अबाउट दिस कॉलेज पंद्रह सोलह लाख का फीस है फीस है एंड एवरेज पैकेज जो ये क्लेम कर रहे हैं वो लेवन लाख फिफ्टी टू थाउजेंड का है इस साल का विदिल फ्लक्चुएशन पर यह एक ऐसा कॉलेज है जिसके लिए कैट जैट काटैट कंपल्सरी है मैट का पर्सेंटाइल कंपल्सरी है बट ऐसा नहीं है कि दे जस्ट वॉन्ट एटी परसेंट और नाइनटी परसेंट और सेवेंटी परसेंट टाइल विदरसेंट इन टू दिस कॉलेज हाइएस ट्वेंटी सेवन लैक्स देन जयपुर या लखनऊ है इस लिस्ट में

जयपुरिया से पहले आना चाहिए था इसका एवरेज पैकेज क्या डिजायट सारी चीजों के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है सत्रह सोलह सत्रह लाख का इन्वेस्टमेंट है ठीक है और जहां तक मुझे लास्ट ईयर का एवरेज पैकेज पता है एट लैक्स के आसपास का था ठीक है तो आप एवरेज पैकेजेस वेरीफाई कर सकते हैं आफ्टर टॉकिंग टू दी स्टूडेंट्स एंड देन यू कैन डिसाइड कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए अगर आप रीच आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी नीचे फॉर्म पे आए जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं एम एन आई टी एलाबाद एडमिशन प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट ईजी डिफिकल्ट नहीं नहींजी बिकॉज एन आई टी इसको थोड़ा सा स्टूडेंट कम प्रेफर करते हैं जैसे मैंने अभी एन आई टी रॉडकेला पे वीडियो बनाया था दैट वीडियो वॉज रिक्वेस्टेड बाई अ स्टूडेंट तो उसी तरह से कई बच्चे एम एन आई टी एलाबाद के बारे में पूछते हैं एवरेज प्लेसमेंट जो है वो छः लाख नब्बे हज़ार का है फीस काफ़ी कम है एंड द एडमिशन प्रोसेस इज क्वाइट ईजी वेन इट कम्स टू दिस कॉलेज देन वी हैव अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विच इज एम यू उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर प्लेसमेंट और वो नहीं दिया था बट एवरेज पैकेज इनका है वो पाँच छः लाख के आसपास का है फीस बहुत कम है राइट right? तो रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट के प्रस्पेक्ट से आप इस कॉलेज को भी रख सकते हैं अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कैसे तो नोएडा में और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं राइट जिनकी फीस कम है तो मैंने यहाँ पे ऐसे कॉलेजेस की बात की जिनको लोग जानते हैं थोड़ा सा नाम है पर इसके अलावा भी कई सारे कॉलेजेस हैं जो एम कराते हैं यूपी में है नोएडा में है आ, राइट एंड और भी अलग अलग जगह पर जैसे आई आईटी लखनऊ है कई बच्चे पूछते हैं राइट एमएमयूटी गोरखपुर है तो उनके लिए भी हम वीडियो लेकर आएंगे तो आपको चैनल पे बने रहना है बाकी ऐसी वीडियोस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आई होप यू लाइक दिस वीडियो फॉर मोर सच वीडियोस कीप वाचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड